राजधानी जयपुर से खबर है, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम की भाजपा विधायकों के साथ बैठक हुई है। बैठक में सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, विधायक कालीचरण सराफ, अशोक लाहोटी, नरपत सिंह राजवी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बैठक में जयपुर और राजस्थान के हालातों को लेकर जानकारी दी। राजस्थान में लॉकडाउन और कर्फ्यू की सख्ती से पालना नहीं होने पर बने हॉटस्पॉट, ये पूनिया ने कहा है। साथ ही जयपुर के रामगंज में अगर तबलीकी के मूवमेंट को रोका जाता तो इतना संक्रमण नहीं फैलता। राशन के वितरण में भेदभाव का भी पूनिया ने आरोप लगाया है। साथ ही कहा, अंतिम छोर पर जनता त्रस्त है। चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी टीम को अवगत करवाया गया है। कोरोना की इस संक्रमण के दौरान केंद्र की तरफ से एक दल है, संजीव कौशिक जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस में, उनके नेतृत्व में कुछ विशेषज्ञ हैं। आज खास तौर पर जयपुर और मैंने उनको जो इनपुट दिया है वो राजस्थान की जो हालात हैं उसके बारे में चर्चा करी है। सिलसिलेवार तरीके से जो चीज़ें हमारे पास थी, संज्ञान में थी, ध्यान में थी, जो कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से जो फीडबैक हमें मिला, वो फीडबैक के आधार पर हमारी जो फाइंडिंग थी वो उनके सामने रखी। और अभी तक जो सामान्य तौर पर जो चर्चा चलती है, जो जितने हॉटस्पॉट राजस्थान में हैं, जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, नागौर है, तो ये जो हमारी जो पहली प्रतिक्रिया थी इस मामले में, एक तो लॉकडाउन और कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालना नहीं होने के कारण ये संक्रमण।